सेल्फ मनीष पाटिल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 का कंप्यूटर का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, मीन्स ई कॉमर्स नो परिचय। यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड 12 का चौथा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ई कॉमर्स नो परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ई कॉमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये चैप्टर बोर्ड की एग्जाम के लिए 7 मार्क का है। इट मींस इस चैप्टर में से बोर्ड की एग्जाम में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स नो परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। अभी ई कॉमर्स, सबसे पहले तो एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स मतलब क्या। ओके, चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को ई कॉमर्स की डेफिनेशन समझना जरूरी है कि व्हाट इज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के अंदर जो ई है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका पूरा फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ई कॉमर्स मतलब क्या, व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स एटले शू, तो आपको जवाब याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अब सेकंड थिंग, ई कॉमर्स किसे कहते हैं। डेफिनेशन तो पता चल गया, फुल फॉर्म आपको पता चल गया, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। लेकिन अभी मेन बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब क्या, ई कॉमर्स किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ई कॉमर्स मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपको शॉपिंग करना है, और शॉपिंग करने के लिए आप अगर इंटरनेट का यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट का यूज करके आप अगर कोई भी चीज परचेस कर रहे हो, बराबर, इट मींस क्या हुआ, ई कॉमर्स। या फिर फॉर एग्जांपल कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं मेरा बिजनेस इंटरनेट पे कर रहा हूं, तो अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी अपना बिजनेस इंटरनेट के माध्यम से कर रहा हो, तो उसे कहा जाएगा ई कॉमर्स। देखो, दो तरह के आते हैं, एक आता है ट्रेडिशनल कॉमर्स और एक आता है ई कॉमर्स। अभी ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब क्या, जो नॉर्मली हम लोग शॉप पे जाके परचेस करते हैं। ओके, मान लो अगर कोई भी बिजनेसमैन है, उसका छोटा मोटा दुकान है, फॉर एग्जांपल कि उसकी एक लैपटॉप की शॉप है, कंप्यूटर की शॉप है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी चीजें वो सेल करता है, माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, रैम, हार्ड डिस्क, उसकी एक छोटी सी शॉप है। तो अगर कोई बिजनेसमैन बराबर बिजनेस अपने शॉप के थ्रू कर रहा है, बराबर, तो उसे ट्रेडिशनल कॉमर्स कहा जाएगा। लेकिन वही बिजनेसमैन अपने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स इंटरनेट से सेल कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा ई कॉमर्स। मतलब वो बिजनेसमैन दो तरह से बिजनेस कर रहा है, एक तो अपने शॉप से भी वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, एंड सेकंड थिंग वही प्रोडक्ट्स वो इंटरनेट से भी सेल कर रहा है। तो जो वो शॉप से सेल करेगा, तो उसे ट्रेडिशनल कॉमर्स कहा जाएगा, और वही चीजें, वही प्रोडक्ट्स अगर वो इंटरनेट से सेल करता है, तो उसे ई कॉमर्स कहा जाएगा, बराबर। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिनके बारे में आपको पता होगा, जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते ही है, फॉर एग्जाम्पल हुआ फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, बराबर। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जहां से हम लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन परचेस करते हैं, बराबर। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल लेने के लिए अगर किसी शॉप को विजिट करता हूं और वहां से मोबाइल लेता हूं, बराबर, तो वो हुआ ट्रेडिशनल कॉमर्स। लेकिन सिंपल सा, अगर मैं वही मोबाइल अगर इंटरनेट से परचेस करता हूं फ्लिपकार्ट या अमेजोन का यूज करके, तो वो हुआ ई कॉमर्स। मतलब क्या कि मोबाइल दोनों तरह से सेल हो रहा है, शॉप पे जाके भी सेल हो रहा है और इंटरनेट से भी सेल हो रहा है। लेकिन अगर बिजनेसमैन अगर वो मोबाइल अपने शॉप के द्वारा सेल कर रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स, जिसे गुजराती के अंदर कहा जाएगा परंपरागत व्यवसाय। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन वही मोबाइल इंटरनेट से सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि वो फ्लिपकार्ट से बेच रहा है या अमेजोन से बेच रहा है, तो उसे कहा जाएगा ई कॉमर्स। मतलब सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर मैं मेरा प्रोडक्ट इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो उसे कहा जाएगा ई कॉमर्स, जिसका पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो हमें इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि ई कॉमर्स के अंदर चलने वाली कितनी सारी वेबसाइट है, या ऐसे कौन से बिजनेस है, या ई कॉमर्स के अंदर ऐसा क्या क्या होता है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग टोटली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। सबसे पहली बात कि ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एंड सेकेंड थिंग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब क्या, किसे कहते हैं। ओके, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस करना, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स।
तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रो ई कॉमर्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं हमारे बुक के टॉपिक पे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ई कॉमर्स की शुरुआत इंडिया में जब हुई, ई कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है, बराबर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटरनेट के ऊपर ई कॉमर्स जब स्टार्ट हुआ तो इंटरनेट के ऊपर सेल होने वाली सबसे पहली चीज थी किताब। मतलब अगर जब इंटरनेट के अंदर ई कॉमर्स के द्वारा बिजनेस करना स्टार्ट हुआ तो ई कॉमर्स में सबसे पहले अगर कोई चीज सेल हुई होगी या किसी ने कोई चीज परचेज की होगी तो वो है किताब। और ई कॉमर्स की दुनिया में कदम रखने वाली सबसे पहली वेबसाइट थी Amazon, बराबर। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी थी, तो उसका नाम है Amazon। और जब Amazon ने ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस करना स्टार्ट किया तो उसने सबसे पहले शुरुआत की किताबों से। इट मींस वो सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन किताबें बेचने का काम किया करती थी। लेकिन इन दिनों अगर आप देखोगे तो Amazon पे किताबें तो मिलती ही है, लेकिन किताबों के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग Amazon से परचेस कर सकते हैं। हर एक चीज Amazon के ऊपर अवेलेबल है। हम लोग घर पे बैठे बैठे Amazon हो या Flipkart हो, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट से हम वहां से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर ही सकते हैं। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं उस टाइम की जब Amazon ने सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में ई कॉमर्स के अंदर अपना पहला कदम रखा। जब उसने ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस करना स्टार्ट किया तो उसने सबसे पहले शुरुआत की थी किताबों से। तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स के अंदर सबसे पहले अगर कुछ सेल हुआ था या किसी ने, कोई कस्टमर ने कुछ परचेस किया होगा तो वो क्या था, किताब। और वो वेबसाइट थी Amazon। तो वेबसाइट का पूरा नाम है www.amazon.com। हमारी बुक के अंदर इसका एग्जांपल दिया हुआ है, बराबर। अब और एक बात, थोड़ा और इस टॉपिक को हम लोग डीप में देखते कि हम लोग इंटरनेट से किताबें खरीदना पसंद क्यों करते हैं। अगर इंटरनेट से अगर आपको किताबें खरीदनी है तो इंटरनेट से बुक परचेस करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे बुक्स के अलावा अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप परचेस करना है, लैपटॉप, ओके, मैं इंटरनेट से लैपटॉप परचेस करना चाहता हूं, तो जब हम लोग लैपटॉप परचेस करते हैं तो लैपटॉप परचेस करते समय हम लोग कौन सी चीजें नोट करते हैं कि इसके अंदर हार्ड डिस्क कितनी है, कि इसके अंदर रैम कितनी है, ओके, इसका पावर बैकअप कितना है, रेडी, ये सारी चीजें हम लोग दे रही, उसके अंदर प्रोसीजर कौन सा है, ये सारी चीजें हम लोग नोट करते हैं, उसके सारे फीचर्स चेक करते हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप को परचेस करते हैं। और लैपटॉप एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है कि लैपटॉप परचेस करने से पहले इसको एक बार अच्छे से चेक कर लिया जाए। लेकिन बात करें किताबों की, बराबर, तो किताबों के अंदर आप जब किताब परचेस करते हो तो उसके अंदर क्या देखोगे, जैसे लैपटॉप के अंदर हम लोग उसके बैटरी देखते हैं, उसकी रैम देखते हैं, बराबर, ये सारी चीजें हम लोग लैपटॉप के अंदर चेक करते हैं। तो अगर जब आप कोई किताब परचेस करते हो तो किताब परचेस करते समय आप उसके अंदर क्या देखोगे, जैसे कि ये इस किताब का ऑनर कौन है, इसका प्रकाशन कौन है, ओके, इसका ऑथर कौन है, इसका रेटिंग क्या है, रेडी, ये सारी चीजें। एंड दोनों में डिफरेंट पता है क्या है कि लैपटॉप को हम लोग फिजिकली चेक करना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि लैपटॉप बहुत एक्सपेंसिव है, इसको हम लोग थोड़ा ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना तो थोड़ा डर लगेगा कि लैपटॉप जैसी महंगी चीज अगर मैं इंटरनेट से ऑनलाइन मंगाऊंगा, बराबर, और लैपटॉप जब मेरे घर पे आएगा फिर उस लैपटॉप के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो, उसके स्क्रीन में अगर कोई स्क्रैच हुआ तो या डैमेज हुआ तो, बराबर, तो क्या है, लैपटॉप जैसी महंगी चीज हम लोग इंटरनेट से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना थोड़ा डर लगेगा। इसे लैपटॉप जैसी चीज को परचेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉप पे जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि शॉप पे जाके एटलीस्ट हम लोग लैपटॉप को फिजिकली चेक तो कर सकते हैं, इसको मैं ऑपरेट करके देखूंगा कि ये लैपटॉप ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी रैम कितनी, मैं वहां पे चेक कर लूंगा लाइव, उसकी हार्ड डिस्क कितनी, किस तरह से वर्क कर रहा है, उसका मटेरियल कैसा है लैपटॉप का, लैपटॉप को चारों एंगल से घुमा घुमा के मैं फिजिकली चेक करूंगा, बराबर। तो ये क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो इंटरनेट से ऑनलाइन उसको परचेस करना ये हमारे रिस्क हो जाएगा। इसलिए इतनी महंगी चीजें हम लोग इंटरनेट से ऑर्डर करते ना तो थोड़ा डर लगा रहता है, इसलिए हम लोग शॉप पे जाके परचेस करना पसंद करते हैं। लेकिन किताबों के अंदर ऐसा नहीं है, किताबों को हम लोगों को फिजिकली चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप किताबें अगर इंटरनेट से ऑनलाइन परचेस करना चाहो ना तो भी कर सकते हो,
किताबों को फिजिकली चेक करने की क्या जरूरत है, जिस तरह से लैपटॉप को हम लोग फिजिकली चेक करते हैं बराबर, इस तरह से किताबों को फिजिकली चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर पे बैठे बैठे किताबें ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, इसलिए सबसे ज्यादा इंटरनेट के ऊपर लोग किताबें खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि किताबों को फिजिकली चेक करना नहीं पड़ता है। ओके, और सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपको कोई भी किताब इंटरनेट पे ऑर्डर करनी तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगी। अभी हम लोग अमेजोन का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमारी बुक में अमेजोन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अमेजोन पे जाएंगे www.amazon.com। सो वेबसाइट खुलने के बाद वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होगी अलग 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 टाइप की। आपने प्रैक्टिकली कभी अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया होगा तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अमेजोन की वेबसाइट खोलने के बाद वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होंगी कि आपको अमेजोन से क्या परचेस करना है। अगर आपको किचन का सामान परचेस करना है तो आप वो अलग कैटेगरी होगी, अगर आपको कपड़े परचेस करने हैं तो वो अलग कैटेगरी होगी, मुझे आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीजें परचेस करनी है तो वो अलग कैटेगरी होगी, मुझे मोबाइल की एसेसरीज मंगवानी है तो वो अलग कैटेगरी होगी। ओके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है। तो मैं उसके अंदर बुक्स के अंदर जाऊंगा, एक बुक्स नाम की कैटेगरी होगी, मैं उसमें जाऊंगा। तो बुक्स नाम की कैटेगरी में जाने के बाद फिर सारी किताबें ही खुलेगी, क्योंकि जो सेक्शन ओपन होगा वो बुक का ही ओपन होगा, क्योंकि मैंने उसी कैटेगरी को चॉइस किया है। अब बुक्स के अंदर जाने के बाद क्या होगा, आपको जो बुक परचेस करनी है ना उस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, इट मीन्स टाइटल। तो हम लोगों को क्या करना है, बुक का टाइटल ऊपर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे चेतन भगत की एक बुक परचेस करनी है, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो इसमें बुक का टाइटल क्या होगा, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, और इसका ऑथर कौन है, चेतन भगत। मतलब इस बुक को मैं दो तरह से चेक कर सकता हूं बराबर, एक तो मैं उसके बुक के टाइटल से भी उसको चेक कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ, और अगर मुझे बुक का टाइटल पता नहीं है तो मैं ऑथर से भी चेक कर सकता हूँ, लेखक से भी चेक कर सकता हूँ, जो है चेतन भगत। तो मुझे क्या करना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तो वो बुक वहां पे आ जाएगी। और अगर आपको बुक का टाइटल पता नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ चेतन भगत की वो बुक है, तो आप सिर्फ ऑथर का नाम टाइप करो चेतन भगत, तो चेतन भगत की जितनी भी बुक होगी ना वो सारी वहां पे आ जाएगी, जिसमें आपको जो बुक चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। मतलब ये हुआ बुक को फाइंड करने का तरीका, आप इस तरह से अमेजोन के ऊपर बुक्स परचेस करने से पहले उसको ढूंढ सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारी बुक के अंदर मेंशन की हुई है, मैं आपको ऐसा एक्स्ट्रा थ्योरी बता रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सारी बातें हमारी बुक में लिखी हुई है कि बुक को फाइंड आउट आप कैसे करोगे। उसको बुक को फाइंड करने के तरीके कौन से, एक तो आप उसको टाइटल से सर्च कर सकते हो, या फिर आप ऑथर से सर्च कर सकते हो, या फिर उसका पब्लिशर कौन है, बुक का पब्लिशर कौन है, पब्लिशर से भी आप सर्च कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग रास्ते हैं इंटरनेट के ऊपर बुक को सर्च करने के लिए। चलो बुक को सर्च कर लिया, आपको बुक मिल गई, फिर बुक परचेस करने से पहले बराबर उस बुक का प्राइस वहां पे लिखा होगा, रेटिंग, उसका रेटिंग वहां पे लिखा होगा। यस, खास करके लोग ना रेटिंग को देख के बुक परचेस करते हैं, बुक की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसका रेटिंग वहां पे मेंशन किया होता है। रेटिंग मतलब देखो वहां पे 5 स्टार होता है येलो कलर में, है ना, ऐसे स्टार्स होते हैं, तो स्टार्स को हम लोग नोट करते हैं कि लोगों ने इसको रिव्यू क्या दिया है, लोगों ने इस प्रोडक्ट को कितना पसंद किया हुआ है। 5 में से 5 हो तो बहुत ही बेटर है, 5 में से 4 हो तो भी बेटर है, फिर 5 में से 2 या 1 हो तो हम लोगों को पता चल जाता है कि लोगों ने इसको कुछ खास पसंद नहीं किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को इंटरनेट से परचेस करते हैं ना तो हम लोग उसका रेटिंग देखते हैं, प्रतिभाव गुजराती के अंदर जिसको कहा जाएगा। तो क्या रेटिंग देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सेल हुआ है, लोगों ने इसे सबसे ज्यादा पसंद किया है, लोगों ने उसको रिव्यू दिया है, फीडबैक दिया है कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये किताब मैंने पढ़ी है, किताब बहुत अच्छी है। लोग अपना रिव्यू देते हैं, स्टार देते हैं, मेंशन करते हैं, रिव्यू देते हैं, तो लोगों के प्रतिभाव से, लोगों के फीडबैक से हम लोगों को पता चलता है कि वो प्रोडक्ट कैसी है। मतलब ये सारी चीजें हम लोग इंटरनेट के ऊपर बुक परचेस करने से पहले देख सकते हैं, और ये सारी बातें हमारे बुक के अंदर थ्योरी में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना बराबर। उसके बाद चलो अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो हमारी मेन वेबसाइट का नाम है www.amazon.com। ओके, तो ये है हमारी ई कॉमर्स के चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, इंटरनेट नी ऊपर पुस्तक नी दुकान, मतलब ऑनलाइन बुक शॉप, जिसके अंदर जो एग्जांपल मैंने आपको बताया वो है अमेज़न का। वो इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले ऐसी कंपनी थी जिसने ई कॉमर्स के अंदर सबसे पहले कदम रखा। आप सोच रहे होंगे सर अमेज़न ही क्यों, फ्लिपकार्ट भी है, बहुत सारी कंपनियां है, लेकिन अमेज़न इसलिए क्योंकि उसने शुरुआत की, उसने स्टार्टअप किया ई कॉमर्स के अंदर।
आप गूगल पे जाके विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हो अमेजोन के बारे में, वहां पे भी आपको वही पता चलेगा कि अमेजोन ने सबसे पहले शुरुआत किताबों से की थी, और हमारी बुक में भी उन लोगों ने वही बताया हुआ है। बाकी शुरुआत जब किताबों से हुई, उसके बाद फिर धीरे 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 उन लोगों ने अपने बिजनेस में इतना ग्रोथ किया कि इन दिनों अमेजोन पे सारी चीजें मिलती है, किताबें तो मिलती है, इवन सारे प्रोडक्ट्स आप वहां पे परचेस कर सकते हो। ओके, तो ये था amazon.com। और एक बात बताऊं, हम लोग कब से अमेजोन पे फोकस किए जा रहे हैं, लेकिन अमेजोन के अलावा और तीन एग्जाम्पल हमारे बुक में दिए, मतलब टोटल कितने हुए, चार, उसमें से पहला तो अमेजोन ही है, लेकिन और तीन नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, बराबर। उसमें से सेकंड नाम है shoppingindiatimes.com, पहला amazon.com मैंने बताया, दूसरा है shoppingindiatimes.com, तीन नंबर पे है www.buybookindia.com, buybookindia.com, और चौथा एग्जाम्पल है www.booksshopindia.com, booksshopofindia.com। ऐसे चार एग्जाम्पल आपके बुक में होंगे, आप देख सकते हो, बराबर। तो अमेजोन तो हम लोगों ने सुना था, लेकिन बाकी की तीन थोड़े हम लोगों के लिए नए लग रहे होंगे, कि तीन नाम तो सर अभी हम लोगों ने कभी सुने ही नहीं। हाँ, इसके अलावा हम लोगों ने फ्लिपकार्ट सुना हुआ है, रेडी सुना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे नाम हम लोगों ने सुने हुए हैं, लेकिन ये तीन हम लोगों ने नहीं सुने, बराबर। तो आप लोगों को एग्जाम के लिए ना ये चार एग्जाम्पल याद रखना है, सिर्फ अमेजोन याद नहीं रखना है, अमेजोन तो मेन है, अमेजोन के अलावा आपको ये तीन एग्जाम्पल और याद रखने हैं, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में ऑप्शन में पूछे जाएंगे, डिफरेंट चारों के चारों पूछे जाएंगे, मान लो ए पे होगा amazon.com, बी पे होगा आपका indiatimes.com, तीन पे होगा आपका बाय बुक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन, मतलब इन चारों को वो कहीं ना कहीं एबीसी में मैनेज कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जवाब क्या होगा, डी, आप तमाम, बराबर। इस तरह से सारे के सारे ऑप्शन एबीसी तीनों आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये तीन ऑप्शन याद रखना भी जरूरी है। तो आप बुक में देखो, बुक के अंदर पेज नंबर 73 पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेन एग्जांपल आपका कौन सा है, अमेजोन, जबकि हमारे एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा पहला ही एमसीक्यू है, स्वाध्याय का पहला ही एमसीक्यू है कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे पहले कदम रखने वाली सबसे पहली कंपनी कौन थी, ओके, जिसने, तो उसका नाम था amazon.com। तो आई होप कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक इंटरनेट नी ऊपर पुस्तक नी दुकान, बराबर, इंटरनेट बुक शॉप आपको समझ में आया होगा। रेडी, तो चलो इस चैप्टर का पहला टॉपिक खत्म करने के बाद अभी हम इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वर्तमान पत्र। इलेक्ट्रॉनिक वर्तमान पत्र मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। ओके, जैसे मैंने अमेजोन, जैसे मैंने आपको इंटरनेट के ऊपर पुस्तक की दुकान, इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन बुक शॉप का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अमेजोन, उसी तरह यहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर के अंदर उन लोगों ने एक एग्जांपल बताया हुआ है। हर टॉपिक के अंदर ध्यान देना, जितने भी मैं टॉपिक चलाऊंगा, हर टॉपिक के अंदर उन्होंने कोई ना कोई एग्जांपल दिया हुआ है वेबसाइट का, और वो सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बराबर। जैसे कि बुक्स का एग्जाम्पल था तो अमेजोन का नाम उन्होंने बताया, अभी न्यूज़पेपर का टॉपिक चल रहा है तो देखते हैं वो कौन सा एग्जाम्पल बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर आप किसे कहोगे, वॉट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर। जैसे ई कॉमर्स का मतलब हम लोगों ने निकाला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वैसे ई न्यूज पेपर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर आप किसे कहोगे। इंटरनेट पे डिजिटल फॉर्मेट में हम जो न्यूज पढ़ेंगे ना, जो पेपर हम लोग पढ़ेंगे, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर। देखो टॉपिक की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, आप उसको अंडरलाइन करना, मेंशन करो, ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना बुक में इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, उसकी फर्स्ट लाइन आप रीड करो, अगर आपके पास बुक है तो वहां पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट का यूज करके डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ा जाने वाला पेपर, जो न्यूज हम लोग इंटरनेट का यूज करके पढ़ रहे हैं उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज। हम नॉर्मली घर पे जो पेपर पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज नहीं है, बराबर। आप न्यूज मान लो अगर आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, लैपटॉप में पढ़ रहे हो, टैबलेट में पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो इंटरनेट का यूज करके, तो इंटरनेट का यूज करके पढ़ी जाने वाली न्यूज, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर उसे कहा जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर कितने सारे बेनिफिट्स है, बराबर। सेकंड थिंग क्या क्या, आप जब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर पढ़ते हो अपने मोबाइल के अंदर, तो सबसे बड़ा फायदा कि हम लोगों को पेपर परचेस करना नहीं पड़ता, तो उतने पैसे हमारे बच गए, बराबर। हम लोगों को पेपर परचेस करना नहीं पड़ता, जो प्रिंटेबल पेपर होता है जो हम लोग बाहर से परचेस करते हैं वो हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर परचेस करने के लिए जाते भी हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपर्स आते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कि मुझे संदेश पेपर बहुत पसंद है, मैं संदेश पेपर पढ़ने का शौकीन हूँ,
तो मैं बाहर जाऊंगा, संदेश पेपर परचेस करूंगा। किसी को संदेश पसंद नहीं, कोई गुजरात समाचार पढ़ेगा तो गुजरात समाचार परचेस करेगा, कोई दिव्य भास्कर परचेस करेगा। कुछ लोगों को सारे के सारे पेपर्स पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो वो अपने घर पे संदेश न्यूज़पेपर, संदेश न्यूज़पेपर, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर, सारे पेपर उन्होंने लगाए होते हैं। मतलब उनके घर पे वो तीनों पेपर आते हैं, बराबर, सारे पेपर पढ़ते हैं वो, तो खर्चा बढ़ गया हमारा, बराबर। लेकिन अगर आप यही चीज अगर इंटरनेट पे पढ़ रहे हो तो आपका पैसा बचेगा, बराबर। आप इंटरनेट के माध्यम से ये सारे पेपर ऑनलाइन पढ़ सकते हो, क्योंकि संदेश की खुद की एप्लीकेशन है। या फिर आप गूगल पे टाइप करो ई संदेश या ई पेपर या संदेश, तो आप आज का पेपर इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन पढ़ सकते हो। संदेश नहीं पढ़ना आपको, गुजरात समाचार पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो, बराबर। इवन आपको जितने भी पेपर्स पढ़ने हैं वो सारे पेपर्स आप इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन पढ़ सकते हो। और हर पेपर की एक अलग सी डिफरेंट एप्लीकेशन भी है। डेली हंट का नाम आपने सुना होगा, वहां पे भी आप न्यूज पढ़ सकते हो, बराबर। तो ये सारी न्यूज हम जब मोबाइल का यूज करके पढ़ रहे हैं तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज, डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ा जाने वाला पेपर, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर। फिर वो आप मोबाइल में पढ़ो, कंप्यूटर में पढ़ो, टैबलेट में पढ़ो, ओके, उसका माध्यम कोई भी हो, मीडियम कोई भी हो, लेकिन आप वो पेपर मोबाइल पे पढ़ रहे हो, इट मींस वो डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ा जाने वाला पेपर है। कितना अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा हूं, मैं बस में ट्रैवलिंग कर रहा हूं, तो मैं तो ट्रैवलिंग करते करते आराम से मोबाइल के अंदर भी न्यूज पढ़ सकता हूं कि चलो आज क्या हुआ, कल की रात की मैच में देखना भूल गया, मुझे जानना है कि कौन जीता कौन हारा, तो मैं देख सकता हूं, बराबर। इस तरह से हम लोग कोई भी न्यूज लेटेस्ट हमारे मोबाइल के अंदर देख सकते हैं। तो इंटरनेट पे पढ़ा जाने वाला पेपर, इट मीन्स डिजिटल न्यूज पेपर। इसमें हम लोगों को क्या बेनिफिट है कि हम लोगों को पेपर परचेस करना नहीं पड़ेगा, प्रिंटेबल पेपर से, मुद्रित वर्तमान पत्र ऐसा हमारे बुक में लिखा हुआ है, उससे हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, बराबर। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, मुझे अगर कोई ओल्ड न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है ना, फॉर एग्जांपल कि मुझे जुलाई मंथ का 3 तारीख का पेपर पढ़ना है, उसमें थोड़ा कुछ है न्यूज मुझे जानना है, उसकी कटिंग करनी है, जो भी हो मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे जानना है, अभी घर पे मुझे वो न्यूज़पेपर ढूंढने में टाइम लगेगा कि कहां पे जुलाई मंथ का 3 तारीख का पेपर है, तो बेटर होगा क्या आप डायरेक्टली इंटरनेट का यूज करके अगर उस एप्लीकेशन में जाओ या फिर उस वेबसाइट पे जाओ संदेश के, वहां पे आप डेट मेंशन करो, डेट वाइज आप उस पेपर को ढूंढ सकते हो। मतलब अगर आपको पुराने पेपर की अगर जरूरत हो तो वो भी आपको इंटरनेट से मिल सकता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, ओके। तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बराबर। तो ये था हमारा डिजिटल न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। तो जैसे इंटरनेट नहीं, इंटरनेट पर पुस्तक की दुकान, उसके अंदर उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया था अमेजोन का, इस तरह इस टॉपिक के अंदर उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है द वॉशिंगटन पोस्ट। द वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक पेपर है, उसके बारे में हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कितने एग्जाम्पल हुए, 2। टॉपिक कितने हुए, 2। पहला टॉपिक इंटरनेट न्यू पर पुस्तक नहीं दुकान, एग्जाम्पल कौन सा था, amazon.com। दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पेपर, एग्जाम्पल क्या है, द वॉशिंगटन पोस्ट। हर टॉपिक के साथ एक एग्जाम्पल जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, और इसी के ऊपर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट नहीं ऊपर पुस्तक नहीं दुकान एनी अंदर, उसके अंदर हमारे बुक में कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, www.amazon.com। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, इसके अंदर हमारी बुक में कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, द वॉशिंगटन पोस्ट, बराबर। तो बस इस चैप्टर के 2 टॉपिक खत्म हो गए, दोनों टॉपिक के अंदर मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, ओके। चलो अभी इस चैप्टर का 3रा टॉपिक, जिसका नाम है ऑनलाइन हराजी। हराजी मीन्स ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन। अभी इंटरनेट के माध्यम से आप हराजी कैसे करोगे, मतलब नीलामी, गुजराती के अंदर यानी हराजी कहवाए, इंग्लिश में ऑक्शन, हिंदी के अंदर नीलामी। तो इंटरनेट का यूज करके आप नीलामी कैसे करोगे, अभी वो टाइम गया कि लोगों को इकट्ठा करो, 1001, 1002 ऐसे चिल्लाओ, बराबर। ऐसे अभी होता नहीं, अभी इस तरह से नीलामी नहीं होती, इस तरह से ऑक्शन नहीं होता, आप सब स्मार्ट हो गए, आप सब डिजिटल फॉर्मेट्स में हम लोग नीलामी करते हैं। तो अभी इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, अभी इसके लिए यूज होने वाली वेबसाइट भी अलग होगी, Amazon, Flipkart, ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है, इसकी वेबसाइट्स नहीं है। Amazon के ऊपर हराजी नहीं होती है, Amazon पे नीलामी नहीं होती है, Flipkart पे नीलामी नहीं होती है। तो अगर आपको कोई भी चीज अगर अपनी बेचनी हो, नीलाम करनी हो, तो उसके लिए जो यूज होने वाली वेबसाइट है वो वापस डिफरेंट है, तो उसके लिए एग्जाम्पल अलग होंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोसेस है कि ऑनलाइन हराजी कौन है, ऑनलाइन ऑक्शन कैसे कहा जाएगा। जैसे सिंपल से
अगर मैं आपकी कोई चीज इंटरनेट पे नीलाम कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो उसे हम लोग ऑनलाइन ऑक्शन कहेंगे। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर दो लोगों का होना जरूरी है, एक तो वो बंदा जो अपनी चीज बेच रहा है और एक सामने वाला बंदा जो उसके लिए बोली लगाएगा। इन दोनों का होना जरूरी है, भले इंटरनेट के ऊपर हो लेकिन इन दोनों का होना जरूरी है। तो चलो अभी ऑनलाइन ऑक्शन के लिए पूरी प्रोसेस क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। हमारी बुक में भी काफी अच्छे से उन लोगों ने बताया हुआ है कि अगर आपको ऑनलाइन ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उसमें आपको ऐड होना है, उसका हिस्सा बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे शब्दों में हमारी बुक में एक्सप्लेन किया है, आप अगर थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा थ्योरी है, फिर भी मैं आपको वीडियो के द्वारा बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसकी वेबसाइट कौन सी वो तो हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को वेबसाइट्स के नाम पता ही होंगे, अभी हमारे बुक में जो वेबसाइट का नाम दिया गया है वो ही ईबे। ओके, ईबे.com, www.ebay.com, इस पे हम लोग हराजी कर सकते हैं। ईबे के अलावा क्विकर भी है, ओएलएक्स भी है, हम लोग टीवी पे एड देखते हैं वहां पे आप लोगों ने देखा होगा ओएलएक्स है, क्विकर है, ईबे है। ओके, तो यहां पे हम लोग नीलामी कर सकते हैं, हराजी कर सकते हैं। लेकिन ओएलएक्स का और क्विकर का एग्जाम्पल हमारी बुक में नहीं है, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो टीवी के ऊपर हम लोग एड देखते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, लेकिन हमारी बुक में ये एग्जाम्पल दिए हुए नहीं है। लेकिन हाँ, ईबे का नाम हमारी बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग अभी उस पर ही फोकस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मुझे मेरा लैपटॉप नीलाम करना है, रेडी। कुछ महीने पहले, 4-5-6 महीने पहले मैंने एक नया लैपटॉप लिया, बरोबर। अब हुआ क्या कि मुझे दूसरा नया लैपटॉप लेना है अभी, बरोबर। अब जो लैपटॉप मैंने 6 महीने पहले लिया था, अब मुझे पहले उसको बेचना पड़ेगा, नीलाम करना पड़ेगा। जब उसके पैसे आएंगे, फिर उस पैसों के अंदर थोड़े बहुत पैसे मेरे घर के ऐड करके मैं कोई दूसरा नया लैपटॉप ले लूंगा। अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मेरा पुराना लैपटॉप सेल करना है, बेचना है, जो अभी मैंने 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले लिया हुआ है, जिसकी कंडीशन काफी अच्छी है। तो होगा क्या, अभी अगर वो लैपटॉप अगर मैं बेचना चाहता हूं, सेल करना चाहता हूं, बेचना मतलब मुझे नीलाम करना है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले आप तो उस वेबसाइट को विजिट करो जिस वेबसाइट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट नीलाम करने वाले हो, बरबर। फिर वो वेबसाइट चाहे ईबे हो, चाहे क्विकर हो, चाहे ओएलएक्स हो, एज यू विश, कोई भी वेबसाइट पे जाओ आप, बरबर, जहां पे नीलामी होती हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप। ओके, इंटरनेट पर नोंदनी करावी फर्जियत है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाओगे। हमारी बुक में लिखा हुआ है ऐसा कि सबसे पहले हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो मैं ईबे पे गया, वहां पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया, बरोबर। जैसे हम लोग फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फेसबुक चलाने के लिए छोटा सा फॉर्म फिलअप करते हैं, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ईबे पे एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करेंगे रजिस्टर करने के लिए, जिससे मेरा रजिस्ट्रेशन ईबे पे हो जाएगा, जहां पे मेरा नाम, बरोबर, मेरा जेंडर, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, छोटी मोटी जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं वहां पे फिलअप करूंगा और ईबे के ऊपर मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये है आपका, देखो आप उस टॉपिक के अंदर आप है ना, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखना, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि हराजी करने से पहले, नीलामी करने से पहले, ऑक्शन करने से पहले आपको उस वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हो, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो क्विकर की वेबसाइट हो, ओएलएक्स की हो, या फिर ईबे की हो। हम तो ईबे का एग्जांपल लेंगे क्योंकि हमारी बुक में ईबे का एग्जांपल दिया हुआ है। तो अब मैं गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है मेरा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस नीलामी करने की। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लैपटॉप को, क्योंकि मुझे लैपटॉप बेचना है, लैपटॉप को नीलाम करना है, तो मुझे क्या करना है, किसी एक अच्छे प्लेस पे मुझे मेरा लैपटॉप रख देना है। एक टेबल ले लो या कुछ भी, अपने घर पे कोई अच्छा प्लेस होगा वहां पे लैपटॉप को अच्छे से रख दो, और लैपटॉप के चारों एंगल से फोटो खींचो, चारों एंगल से फोटो खींचो, उसकी स्क्रीन का, उसकी बैक साइड का है, उसके चारों एंगल से लैपटॉप के फोटो खींचो। ऐसा होता है, छोटा सा 30 सेकंड या 1 मिनट का लैपटॉप का वीडियो भी शूट कर लो। क्या क्या करना है, फोटो खींचने हमें हमारे लैपटॉप के, फिर उस लैपटॉप का क्या करना है, आपको वीडियो शूट करना है, छोटा सा, मूवी नहीं बनानी, छोटा सा आपको क्या करना है, वीडियो शूट करना है 30 सेकंड या 1 मिनट का, वीडियो शूट कर लो, फोटो खींच लो, फिर ये सारी चीजें हम लोगों को ना क्या करना है, वहां पे पोस्ट करनी है, सारे लैपटॉप के, हमारे लैपटॉप के फोटो डाल देने हैं, हमारे लैपटॉप का वो छोटा सा 30 या 1 मिनट का जो क्लिप आपने शूट किया था वो भी वहां पे अपलोड कर देना है। फिर आपके लैपटॉप के अंदर क्या क्या फीचर्स है
वो आपको आपको वहां पे मेंशन कर रहे हैं कि मेरे लैपटॉप के अंदर 1 TB की हार्ड डिस्क है, मेरे लैपटॉप के अंदर 8 GB की रैम है, कौन सा रैम है, DDR2 है, DDR3, वो सब आपको मेंशन करना है। मेरे लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, मेरे लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड है तो कौन सी कंपनी का है या नहीं, वो सब मेंशन करना है। इन शॉर्ट क्या है कि आपको अपने लैपटॉप की सारी चीजें वहां पे मेंशन करनी है, बराबर। और फिर बाद में आपको उसकी प्राइस वहां पे मेंशन करनी है कि मुझे ये लैपटॉप इतनी इतनी प्राइस में बेचना है। इट मीन वहां से लोग क्या करेंगे, बोली लगाना स्टार्ट करेंगे। रेडी? अभी अगर मान लो अगर आपने 80,000 में लैपटॉप लिया था, 1 लाख में लिया था, 70,000 में लिया था, तो क्या आप उतना ही लिखोगे? नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको 6 से 7 महीने यूज कर चुके हो, वो ऑलरेडी 6 से 7 महीना पुराना हो चुका है। तो अभी आप उसको कितना, मतलब अभी डिपेंड करेगा कि आपने उस लैपटॉप की कंडीशन कैसी रखी है। रेडी? तो आप क्या करोगे, वहां पे एक अपना प्राइस टैग करो, बरबर। और एक बात, उसका टाइम लिमिट सेट करना है। किसका? लैपटॉप को सेल करने का टाइम लिमिट, उसको नीलाम, वो लाइफ टाइम तक नीलाम होगा ऐसा नहीं है, बरबर। तो क्या होगा, ईबे वाले आपके पास से चार्ज लेंगे, ईबे वाले आपको एक टाइम लिमिट देंगे। फॉर एग्जाम्पल 8 दिन का टाइम उन लोगों ने दिया है, तो हम लोगों को वहां पे एक टाइम पीरियड सेट करना पड़ेगा, समय मर्यादा वहां पे हम लोगों को सेट करनी पड़ेगी। कि फॉर एग्जाम्पल कि आज अगर 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई को अगर मैं मान लो लैपटॉप को अपलोड कर रहा हूं, तो 11 जुलाई से फिर 8 दिन तक उस प्रोडक्ट की नीलामी ईबे पे होगी। फिर क्या होगा पता है, 8 दिन तक लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, बरबर। और फिर क्या करेंगे, वो नीलामी करेंगे। नीलामी मतलब वो घर पे बैठे बैठे चिल्लाएंगे नहीं कि मुझे इतने चाहिए जैसे पहले होता था, क्योंकि ये जो नीलामी हो रही है वो डिजिटल फॉर्मेट में हो रही है, वो इंटरनेट पे हो रही है, तो आपकी साइट का काम तो खत्म हो गया, बरबर। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मैंने लैपटॉप के फोटो खींच लिए, मैंने लैपटॉप का वीडियो शूट कर लिया, मैंने अपलोड कर दिए, मेरे लैपटॉप के क्या क्या फीचर्स थे वो भी मैंने मेंशन कर दिए, उसकी प्राइस मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी, नीलामी कहाँ से स्टार्ट करनी है, एक परफेक्ट फिगर भी मैंने वहां पे टाइप कर दिया। रेडी? मेरे साइट का काम खत्म। अब स्टार्ट होता है सामने वाली पार्टी, जो बोली लगाएगा, बरबर। फिर वो क्या करेगा, आपके लैपटॉप को देखेगा, कभी उसके फोटो देखेगा, वो फोटो देख के उसको शायद कंडीशन का पता चल जाए कि आपका लैपटॉप किस कंडीशन में है। फोटो देख के अगर उसका मन नहीं भरता, तो फिर वो 30 सेकेंड या 1 मिनट का वीडियो जो आपने लोगों ने अपलोड किया था वो देख लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें देखेगा, उसके फीचर्स चेक करेगा कि वाह, 1 TB की हार्ड डिस्क है, 8 GB की रैम है, ग्राफिक कार्ड भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये सारी चीजें। तो अगर वो आपके लैपटॉप में इंटरेस्टेड है, तो फिर क्या करेगा, वो अपने हिसाब से एक बोली लगाएगा। तो उस बंदे ने बोली लगा ली मतलब आपकी डील फाइनल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो जो बंदा बोली लगाएगा, उसकी तरह पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके लैपटॉप के लिए बोली लगाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, 8 दिन वेट करना है, क्योंकि हम लोगों को पूरा टाइम पीरियड यूज करना है। 8 दिन का वेट करो, फिर क्या होगा पता है, जैसे ही आपकी समय मर्यादा पूरी हो जाएगी, टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जिस बंदे ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी आप उसी दोगे, बराबर। किसी ने अगर मान लो 80,000 बोली लगाई है, किसी ने 90,000 लगाई है, तो आप क्या करोगे, 80,000 वाले को तो देने वाले हो नहीं, बराबर। 1,000 भी ज्यादा बोली किसी ने लगाई होगी, 81,000, तो आप उसको ही दोगे। तो आप क्या करोगे, इन 8 दिनों में ऐसे ऐसे पर्सन को चेक करोगे जिन्होंने मेरे लैपटॉप के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, जिन्होंने मेरे लैपटॉप के लिए बोली लगाई, बराबर। जिसकी बोली मतलब सबसे ज्यादा होगी, फिर आप उस पर्सन को कांटेक्ट करोगे। जिस तरह से आपने आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे छोड़ी थी, रजिस्ट्रेशन किया था, उसी तरह सामने वाला बंदा जो बोली लगा रहा है वो भी अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे छोड़ेगा। तो इस तरह से आप सामने वाली पार्टी को कांटेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला बंदा इतनी इतनी प्राइस में आपका लैपटॉप लेना चाहता है और आप उसे सहमत हो, आप उसको देना चाहते हो, तो आप उस बंदे को कॉन्टेक्ट करो, और फिर बाद में आप दोनों की जो डील है वो डील हो जाएगी, और इस तरह से आपका जो लैपटॉप है वो नीलाम हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन ऑक्शन चलता है। तो ये सारी चीजें हमारे बुक में दी हुई है, आप पढ़ना। वीडियो देख के तो आपको एटलीस्ट एज ए स्टोरी की तरह मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार बुक में देखो कि वाकई में सर जो बता रहे कि वाकई में ऐसे है या फिर बस, बराबर। तो एक बार आप बुक में देखो कि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ, कि वाकई में वो बुक में है ऐसा, देखो उसको, अंडरलाइन करो, मेंशन करो। ये सारी चीजें हमारी बुक में काफी अच्छे से उन लोगों ने समझाई हुई है। तो चलो, इस टॉपिक के अंदर जो एग्जाम्पल हम लोगों को दिया हुआ है वो है www.ebay.com।
पेज नंबर 74 पे लास्ट लाइन में उन लोगों ने लिखा हुआ है वेबसाइट का नाम, अंडरलाइन करना है आपको, हाईलाइट करना है आपको। तो चलो फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, हम लोगों ने इस चैप्टर में तीन टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक इंटरनेट नहीं ऊपर पुस्तक नहीं दुकान, ऑनलाइन बुक शॉप, जिसके अंदर एग्जाम्पल था www.amazon.com, याद रखना, यह था हमारा पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर के अंदर उन लोगों ने हमें एग्जाम्पल बताया हुआ है द वॉशिंगटन पोस्ट, ये एग्जाम्पल उस टॉपिक से कनेक्टेड है। एंड उसके बाद तीसरा टॉपिक था ऑनलाइन ऑक्शन, ऑनलाइन हराजी, जिसके अंदर उन लोगों ने हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ebay.com का। तो तीन एग्जाम्पल हो गए, amazon.com, द वॉशिंगटन पोस्ट एंड तीसरा था ebay.com। सो इस तरह से हम लोगों ने चौथे चैप्टर के तीन टॉपिक शुरुआत के खत्म कर लिए हैं। रेडी? लेकिन जैसे Amazon के अलावा पता है तीन एग्जाम्पल और थे, टोटल चार वेबसाइट के एग्जाम्पल थे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर में एक्स्ट्रा तीन एग्जाम्पल नहीं दिए, बस खाली एक ही बताया हुआ है द वॉशिंगटन पोस्ट, तो आपको वही याद रखना है, बरोबर। लेकिन Amazon के अलावा तीन एग्जाम्पल और थे पहले टॉपिक में, उसी तरह यहां पे हराजी के टॉपिक में तीन एग्जाम्पल और है। जो पेज नंबर 75 पे आप देख सकते हो, ईबे तो है ही, जैसे उसमें Amazon था और Amazon के अलावा तीन और थे, तो ऐसे टोटल चार एग्जाम्पल थे। इस तरह ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर भी चार है, तो चार में पहला ईबे तो है ही, तो ईबे के अलावा दूसरा ऑप्शन है onlineauction.com, www.onlineauction.com। तीसरा ऑप्शन है www.mybits.in, mybits.in, ये .in, ये .com, ये भी आपको याद रखना है। .com अलग चीज हो गया, कॉमर्शियल हो गया, .in मतलब इंडिया हो गया, तो दोनों अलग अलग है, बराबर। तो .com, .in ये याद रखना, हमारे बुक में लिखा हुआ है mybits.in। एंड चौथा ऑप्शन है www.ubid.in। तो ये चार, ईबे तो आपको याद हो ही गया होगा, बाकी के तीन भी आपको याद रखने हैं। और जो एक्स्ट्रा है फिर क्विकर, ओएलएक्स, वो तो अलग बात है, उनका एग्जाम्पल हमारी बुक में है ही नहीं। तो हम लोगों को खास करके तो वही एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है जो हमारी बुक में दिया गया है। क्विकर, ये सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हुए, बराबर, ओएलएक्स, लेकिन ये जो एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए हुए हैं खास करके आपको वो याद रखने हैं। इनके ऊपर बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मे बी आपको जो चार ऑप्शन दिए जाएंगे उस चार ऑप्शन के अंदर इनको मेंशन किया हो, तो अगर आप यही याद नहीं रखोगे, वो सब ऑयलेक्स वो सब माइंड में रखोगे, तो फिर आप गलत हो जाएगा, बरोबर। तो आपको ये मेंशन, ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के तीन टॉपिक खत्म कर चुके हैं, बरोबर। इंटरनेट नहीं ऊपर पुस्तक नहीं दुकान, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, और तीसरा था ऑनलाइन ऑक्शन, मतलब ऑनलाइन हराजी, बरोबर। सो आज के लिए इतना काफी है, सिर्फ तीन टॉपिक पे हम लोग स्टॉप करते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट या उसके आगे के जो पार्ट्स है वो मैं इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसके अंदर मैं सारे वीडियो क्रिएट करूंगा, बरोबर। तो आई होप कि आपको मैंने जो आज तीन टॉपिक एक्सप्लेन किए वो आपको समझ में आए होंगे। एक बार किताब खोल के ये तीन टॉपिक आप सिर्फ रीड कर लेना, सिंपल सा रीड कर लेना, बरोबर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके जो टेक बुक के MCQ है उस पर भी एक बार नजर डालना, कि जितने तीन टॉपिक हम लोगों ने पढ़े उस तीन टॉपिक के ऊपर से बुक के कौन से MCQ ऐसे जो आप सॉल्व कर पाते हो, जिसमें से पहला MCQ तो वही मैंने आपको बता दिया Amazon के ऊपर, कि इंटरनेट की दुनिया में ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने वाली सबसे पहली कंपनी कौन है, तो Amazon, ये हमारे बुक का सबसे पहला MCQ है। उसके बाद दूसरा MCQ देखना आप इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर के ऊपर होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल न्यूज़पेपर या फिर ई न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों को क्या है, टेक बुक के क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लग जाएंगे, बरोबर। तो आप एक काम करो, ये तीन टॉपिक एक बार फिर से पढ़ लेना, कुछ समझ में ना आए तो पूछना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका अगला पार्ट लेके आता हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।